हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है किसी दिए गए समय पर एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अगर इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही हो तो दिए गए समय पर कार का त्वरण होगा। अब देखिए, कार की त्रिज्या, कार जिस पथ पर चल रही है उस पथ की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है हमें, r बराबर 500 मीटर है। और कार की चाल कितनी है, v बराबर कार की चाल हमें दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो कार पे लगने वाला त्रिज्यीय त्वरण ac बराबर कितना होगा, v स्क्वायर बटा r के बराबर होगा। 30 गुणा 30 बटा 500, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो एक जीरो, तो AC का मान कितना आ गया, 9/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमसे बताया गया है चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है, तो चाल वृद्धि की दर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पर्शीय त्वरण। तो AT का मान, स्पर्शीय त्वरण का मान कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु का कुल त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 81/25, तो ये हो गया आपका 181/25। तो अगर हम इसका रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कि मान निकालेंगे हम तो ये हमारा मान आएगा 2.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ए का मान आ जाएगा 2.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो। आशा है आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।